हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी बाइक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। काफ़ी टाइम हो गया, एक तो बाइक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ ही व्लॉग्स के साथ कोपाड ऑक्शन में, वहाँ जाके आपको सारी बाइक्स वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी पर और आगे फिर उसकी गाड़ी पर चलेंगे हम लोग कोपाड ऑक्शन। तो स्टे ट्यून। और अगर सो आई एम इनसाइड माई कार और अब मैं जा रहा हूँ गुची ब्लॉक्स के पास। उनका घर यहाँ से 5 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से, मेरे से तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो स्टे ट्यून। मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और ये है जी बूची ब्लॉग्स। हाय, जब हम जा रहे हैं BMW में। अभी हम लोग रास्ते में और हुआ कुछ यूं है कि हमारा जो पेट्रोल है ना, वी डोंट हैव पेट्रोल। व्हाट्स हैपनिंग ब्रो? वी डोंट हैव पेट्रोल, इनफ फ्यूल इन द कार, इट्स रिजर्व फ्यूल। सो राइट नाउ वी आर सर्चिंग for a petrol station, but there's no gas station here. Like, look in front of us. Yeah. It's all desert. Left side पे बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हमारी साइड पे कोई भी नहीं है। आज अगर यहाँ पे खत्म होगा तो धक्का लगवा। Maybe if this vlog doesn't go up, that means the car did not have fuel. No, and we are still pushing that car. Yes. Right here. It's not even turning. We should ride, but McDonald's. Yeah. Ooh. Just take this right, man. No, I'll go left. Please don't do this. Finally we made it. Yeah. Google ne hamari zindagiyan bacha li hain. Wo jo look Mohsin, smile for the camera. Hi. Yes, finally hum log yahan pe pahunch gaye hain Copart auction. Hey, we finally reached. Now we are parking and we will go inside. We only get a briefing from Mohsin, right? Yeah, and we only have 1 hour left. Really? So, yeah. Why? Because I think 5 o'clock they will be close. Oh, yeah. That's okay. Yeah. I thought you said 1 hour to film. I was like, oh yeah. और अगर सो फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ पे कोपाट ऑक्शन के अंदर, और यहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत सारी हैं, उनका भी मैं एक व्लॉग बना लूँगा और आपको दिखाऊंगा कुछ नॉर्मल कार्स का भी। तो जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी वो बाइक्स की थी, तो मैं बाइक्स का आपको पहले मैं दिखा देता हूँ क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो बहरीन और ओमान में काफ़ी ज़्यादा बाइक्स हैं, यहाँ पे सिर्फ ये थोड़े से बाइक्स हैं जो आपको पीछे मेरे नज़र आ रहे होंगे। और वहाँ पे ऑक्शन होती है संडे को, तो आप लोग संडे को वो चेक कर सकते हैं उनकी ऑक्शन। और फिलहाल मैं आपको ये बाइक्स दिखाता हूँ और उसके बाद बाकी नेक्स्ट व्लॉग में दूसरी गाड़ियाँ आपको मैं दिखाऊँगा। तो आज स्पेसिफिकली ये बाइक्स के लिए है। तो असल में मुझे बाइक्स का इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके नाम के कुछ भी, तो बस मैं आपको बाइक्स दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और लगा इस तो ये यहाँ पे कुछ बाइक्स खड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हार्ली डेविडसन का बाइक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। और इनकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो नेट से मिल जाएगी इनकी कोपाट ऑक्शन की वेबसाइट से। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोगों ने स्पेसिफिकली इस बाइक को चेक करना है, ये आप नंबर उसमें देंगे, तो इसमें ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन होगी, कितना डैमेज है, कहाँ से डैमेज है, इसका क्या चीज़ है, स्टार्ट है नहीं स्टार्ट, क्या माइलेज है, सब कुछ इसका वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है जी हार्ली डेविडसन का बाइक है आपके सामने खड़ा। और उसके बाद यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। ये कोई हैवी बाइक है, आई गेस यामाहा का है। तो हाँ, यामाहा का ही है, लेकिन इसके जो है ना ऊपर से उतरा हुआ है टंकी वगैरह सारा कुछ, मे बी इस बॉक्स के अंदर, हाँ ये पड़ा हुआ है, ये बॉक्स के अंदर इसका सारा सामान पड़ा हुआ है। ब्लू कलर का बाइक है ये, और इसके टायर्स और रिम्स वगैरह आप देख सकते हैं आपके सामने है। बाकी जो भी इसका डैमेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको तो ऑब्वियसली अब इनकी वेबसाइट से मिल ही जाएगी। और ये काफ़ी बैडली डैमेज लग रहा है, आई थिंक रेस करते हुए कहीं से ये लगा होगा, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसका मतलब हुआ एक्सीडेंट। बाकी देख लें, काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल सकता है, लेके आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और बाइक है, ये किस, ये देख लें आप, ये कौन सी बाइक है, विक्ट्री इसके ऊपर लिखा हुआ है, वी का निशान है, यूएस इसके ऊपर लिखा हुआ है। और काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी चौड़ा है यहाँ पर ये बाइक। और अगर मेरे साथ बूची व्लॉग्स भी हैं, ये कार्स का व्लॉग बना रहे हैं, मेक श्योर टू चेक their channel. What's your channel name? Bucci? Bucci Vlogs. Yeah. You know it already. So Mohsin is showing us around today. Yeah. Copart. This is our first time in Copart. Yeah. Bro, do you have any knowledge about bikes or not? A bit. Yeah. Not a lot though. So do you know which bike is it? This one, I'm not sure, but it says here Victory. So yeah. Probably Victory. This is from the USA, so I'm pretty sure it's maybe exported. Yeah. From the USA. Yo, bro. Yo, bro. What's up, man? Oh, I think it's 600cc. Wow. इसका इंजन का साइज चेक करें, ओहो हो, बहुत बड़ा है। Looks like it's written here 600cc. Freedom Victory. तो इसका जो साइज है ना,
बहुत बड़ा सा क्रूजर बाइक या क्रूजर बाइक या सो यू नो व्हेन यू वांट टू गो ऑन क्रूज कंट्रोल एंड ऑल दैट इट्स वेरी गुड फॉर सिटी ड्राइविंग ओके इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक बट आई थिंक इट्स प्रीटी कंफर्टेबल एज़ वेल या वेरी कंफर्टेबल या और गाइस तो ये जो यामाहा का बाइक है इसका रेडिएटर चेक करेंगे इतना बड़ा है ये मेहरान गाड़ी में अपने से इतना ही होता है तकरीबन ये इस बाइक में लगा हुआ है तो उसके बाद यहाँ पे कुछ नॉर्मल बाइक्स हैं ये यहाँ पे नॉर्मल यूज़ होते हैं होंडा वगैरह के बाइक्स हैं ये भी आप लोग खरीद सकते हैं तो उसके बाद ये बाइक खड़ा है हार्ली डेविडसन का ये भी काफ़ी बड़ा बाइक है ब्रो डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस बाइक दिस इज अ हार्ली डेविडसन सो इट्स अ वेरी गुड बाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स इट्स वेरी कंफर्टेबल एज यू कैन सी इट हैज अ सीट रेस्ट एज़ वेल गाइस हार्ली डेविडसन बाइक्स व्हेनेवर यू राइड देम ऑन द रोड दे लिटरली vibrate your car when yeah, you're driving no really literally strong. Even if they pass by you like yeah they have a lot of power man look at these exhausts yeah. This should be above 500 cc I'm pretty sure iske, yeah, for sure iske exhaust check kare yeah crazy it's actually yeah. makes a lot of sound as you can see the skull good. So you know it's deadly yeah ji bike crazy this is also a cruiser bike for his long drives and all that you can ride this one easily exactly ये एलसीडी भी लगी हुई है इसकी पूरा सिस्टम और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब ये ड्राइव करते हैं इनको काफी ऑलमोस्ट लेट्स गो इन माय कार आई जस्ट बॉट अ न्यू कार या व्हिच कार यू बॉट ब्रो द रोल्स रॉयस ओके दिस इज योर कार नाउ डू यू हैव द की आई हैव द की या यू हैव द की आई गेस नो आई गिव यू द की बीएमडब्ल्यू की आई ऑलरेडी गिव यू बिकॉज़ बीएमडब्ल्यू ओन्स द रोल्स रॉयस सो या सेम सेम इट इज दैट्स नॉट ट्रू या दैट्स ट्रू ब्रो यू एक्चुअली ओन या और गाइस तो ये है ये एक और बाइक की बेनली इसके ऊपर लिखा हुआ है टाइगर का निशान इसके ऊपर बना हुआ है इसका भी यहाँ पर कोड है आप पूरी डिटेल इसकी ले सकते हैं वहाँ से ठीक है और बाकी जो बाइक्स डैमेज होते हैं फिर डेफिनेटली जब गिरते हैं तो काफ़ी कुछ टूटता है इनका तो बाकी आपके सामने है यहाँ पर कुछ नॉर्मल बाइक्स हैं ये होंडा का बाइक है और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ स्कूटीज खड़ी हैं 3-4-5-7 जो भी हैं ये देख लें और ये हार्ली डेविडसन बस फिलहाल के लिए इनके पास ये बाइक्स हैं पहले काफ़ी ज़्यादा बाइक्स थे तो अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ कि आप कैसे ये बाइक्स खरीद सकते हैं और गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ से बाइक्स खरीदने हैं या कार्स खरीदनी है तो उसके लिए आपको इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जो कि 525 दिरहम्स की है बेसिक वाली और जो प्रीमियम है वो है 1050 दिरहम्स की आई गेस तो ये है इसकी प्राइस जो कि नॉन रिफंडेबल है आप लोग जो है ना इसकी मेंबरशिप खरीद के उसके बाद आप लोग अच्छा उसके बाद जब बिड करनी है तो उसके लिए आपको डिपॉजिट देना पड़ता है अगर आप लोग यूएई में या सऊदीया में कहीं पे भी हैं मतलब अरब कंट्रीज़ के अंदर मिडिल ईस्ट में तो आप डिपॉजिट चेक दे सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ये कैश नहीं करवाएंगे उसको जब ये गाड़ी मतलब आप लोग खरीद लेंगे बिड अगर आपके नाम पे हो जाएगी तो ठीक है वरना वो आपको रिफंडेबल होता है आपको वापस मिल जाएंगे इसी तरह इंडिया वगैरह से पाकिस्तान वगैरह से जो है ना आप लोगों को डिपॉजिट फीस जमा करवानी पड़ेगी वो रिफंडेबल है अगर आप लोग बिड नहीं जीतते या नहीं लगाते तो वो आपको रिफंड हो जाती है वापस और उसके बाद वो इसलिए सिक्योरिटी फीस ही होती है एक किस्म की अगर आप बिड लगाते हैं जीत जाते हैं उसके बाद में आप बैकअप कर जाते हैं तो उस केस में वो होता है और उसके अलावा आपको उसमें जो अगर आप लोग इंडिया और पाकिस्तान से तो आप लोगों को जो है पासपोर्ट की अपनी कॉपी इनको देनी होगी क्योंकि ये फिर एक्सपोर्ट करेंगे और आप लोग वहाँ से जो भी पोर्ट है वहाँ से खुद आप मतलब जो भी फीस है उसकी खुद पे करेंगे वहाँ पे जो कुछ भी है उसका ठीक है तो ये हैं बाइक्स मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा दूर आए हैं हम लोग यहाँ पे सिर्फ आपको बाइक्स दिखाने के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पहले बाइक्स से अब सेल हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा कुछ बाइक्स खड़े हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई और बाइक्स आएंगे तो मैं फिर भी आपको दिखा दूंगा तो फिलहाल के लिए ये डिटेल है आप लोग वहाँ बैठे बैठे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल कहीं से बैठ के ऑनलाइन बिड करके खरीद सकते हैं संडे को होती है बहरीन ओमान वगैरह में ऑक्शन और उसके बाद ट्यूसडे को और मंडे को यहाँ पे ऑक्शन होती है तो स्टे ट्यून आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें लाइक करें शेयर करें बूची व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और प्लीज और गाइस तो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पे हमने मैं अब अपनी गाड़ी में चला जाऊँगा और ये लोग चले जाएंगे वेयर आर यू गोइंग नाउ आर यू गोइंग होम प्रोबब्ली एट होम्स यू आर गोइंग टू टेक फूड हां या They didn't offer me for food. No, we did. No, we did. They did. But was I'm like, joking. No, I'm joking. All right, guys. So stay tuned. Yeah. Race coming soon. Race is coming soon, guys. Who do you think coming is gonna down. Win? I'm gonna win. Down. It's depend on driver. So I'm gonna win. No. No way. वो मेरी लैम्बर्गिनी है और ये इनकी फरारी. ये इनकी फरारी. This is your Ferrari. Yeah. This is BMW. You're not gonna win.